दोस्तों वेलकम टू माय चैनल रीता जैसल ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं उठी हूँ और चाय मैंने रखा था, चाय हो रहा था ब्लैक वाला, और उसी के साथ मैं इधर फ्रिज भी साफ़ कर रही थी लगे हाथ कि चाय भी बन रहा है और मैं सफाई भी कर रही हूँ। लेकिन चाय का वीडियो मैंने नहीं दिखाया था क्योंकि बहुत चाय दिखा चुका है। तो यहाँ पर मैं ना फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर रही, यहाँ पर जो फ्रिज में का जो सारे सामान हैं उनको मैं निकाल करके साफ़ कर रही हूँ क्योंकि आज सफाई बहुत ज़रूरी है किचन में। तो किचन की वैसे मैंने आधी सफाई कर रखी थी, आधी बाकी थी, तो वही सब मेरे बाकी किचन की सफाई यहाँ पे कर रही थी। तो यहाँ का फ्रिज को पूरा क्लीन कर दिया है क्योंकि फ्रिज जो है मेन चीज़ होता है हमारे किचन का, तो उसमें साफ़ पानी वगैरह और भी बहुत कुछ रखे रहते हैं। तो उनको सब चीज़ों को मैं निकाल के सब चीज़ धो करके वापस मैंने किचन फ्रिज को साफ़ करके इसमें वापस सब चीज़ों को जमा दिया है और फ्रिज को मैंने पूरा क्लीन कर लिया। उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करूँगी। और ये चना है दोस्तों, हम सुबह 4 बजे गई थी टहलने तो वही से चना लेके आई हैं खेत में से, क्योंकि ये जो हरे चने होते हैं चढ़ाने के काम आते हैं। और ये बिस्तरा हम लोग जो सोते हैं वही लगा रखा था, तो इनको भी मैं उठाऊंगी क्योंकि ये सब जगह के झाड़ू पोछा सुबह सुबह करना होता है। तो सब बिस्तरा यहाँ से हटा लूँगी। और ये देखिए हमारा रूम है, तो रूम तो ये मैं अपने रूम में आ गई हूँ दोस्तों। तो रूम में मैं झाड़ू लगा रही हूँ और पोछा लगाऊँगी क्योंकि हर जगह झाड़ू पोछा तो वैसे भी हमारे घर में लगता है लेकिन रूम में मैं डेली नहीं लगाती हूँ। तो आज जो रूम में झाड़ू पोछा लगा रही हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन मैं रूम में लगाती हूँ, डेली नहीं लगाती हूँ क्योंकि इस समय गर्मी पड़ रही है तो रूम में सोने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बाहर ही सोते हैं थोड़ा सा, तो रूम इतना गंदा नहीं होता है डेली डेली, तो रूम नहीं है। और यहाँ मैंने रूम को झाड़ू लगा लिया, फिर थोड़ा सा फिनाइल डाल के मैंने रूम का पोछा भी लगा लिया। आज के दिन मैं खिड़की दरवाज़ा सब कुछ पोछते हैं, मतलब अष्टमी की पूजा रहता है ना उस दिन, बहुत डबल डबल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रीता जैसल ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज है लास्ट नवरात्रम, नवरात्रम का लास्ट दिन और रात को हमारे घर पूजा वूजा होगा। और अभी सुबह की सारी सफाई उफाई मैंने कर दी है, देखिए रूम का पर्दा भी मैंने धो दिया है निकाल करके, और झाड़ू पोछा वगैरह जो भी है सब फ्रिज व्रिज सब मैंने साफ कर दिया, क्लीन कर दिया है। और अभी जस्ट मैं नहा धो करके तैयार हो चुकी हूँ, अभी जा रही हूँ पूजा पाठ करने। और पूजा पाठ करने के बाद चलेंगे कुछ नाश्ता पानी बनाएंगे क्योंकि सभी लोगों ने व्रत रखा है, बस बच्चे हैं कि नहीं व्रत रखे हैं। तो लास्ट नवरात्रम की आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। लहसुन वगैरह निकाल रहे हैं खेतों से। और ये है डी बाबा, हमारे घर के पीछे थोड़ी दूरी पे पेड़ है, वहीं पे अम्मा गई हैं पूजा करने, यहाँ पे धार दिया जाता है। और यहाँ पे दोस्तों मैं पूजा कर रही थी, पूजा करने में मैं ये मेरे पास एक माला है, इसी मेरे को ही मिला था, तो मैं इसी का जाप लगाती हूँ, नमः शिवाय का जाप लगाती हूँ। 108 दाने हैं इसके, तो नमः शिवाय का जाप लगाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ शिव चालीसा, नवरात्रि के दिन में है ना शिव चालीसा पढ़ती हूँ। सारी पूजा पाठ करने के बाद मैंने आरती कर ली थी, थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखा दिया है यहाँ पर, बाकी मैं पूजा करने में थोड़ा टाइम लगा था तो सब नहीं दिखाया है। तो यहाँ मैं आरती कर रही हूँ, एक घी का दीपक जला रखा है, एक तिल्ली के तेल का। तो यहाँ पे मैं सब जगह पूजा पाठ करके सभी देवता सो गए, यहाँ का पूजा हो गया। मैं छत पे भी गई थी, सूर्य देवता और शिव जी को जल मैंने चढ़ा दिया है। और अब चलती हूँ मैं, कपड़े फैला देती हूँ, सुबह के धुले हुए कपड़े हैं बहुत सारे, उनको फैला देती हूँ, उसके बाद किचन में चलती हूँ। और ये देखिए यहाँ का पर्दा भी टूट गया है, पता नहीं कैसे माता जी पूजा करती हैं तो यहाँ का पर्दा भी तोड़ दी है, तो इसे दरवाजे को ऐसे कर देती हूँ। तो चलती हूँ किचन में। दोस्तों मुझे पूजा करने में लेट हो गया था और मेरे बेटे का परीक्षा है लिए, तो ये खुद ही मैगी बना रहा है, खा कर जाएगा परीक्षा देने के लिए। मैगी बना रहा था तो मैंने सोचा चलो मैं अपना यही काम कर लेती हूँ, मैंने कहा कि तो मैं कर रही हूँ, तो फिर कहा उसने कि रहने तो मैं कर रहा हूँ, तो मैंने छोड़ दिया। तो वो मैगी बनाकर खा करके एग्ज़ाम देने गया है, उसका परीक्षा है, और मुझे पाठ करने पूजा पाठ करने में टाइम लग गया था। तो इसके बाद मैं यहाँ पे दोस्तों कपड़े फैला रही हूँ, तो कपड़े काफ़ी हो गए थे, तो एक के ऊपर मैंने कपड़े डाल दिए हैं एक के ऊपर एक, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही, सूख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही कपड़े फैला दिए, एक के ऊपर कपड़े डाल दिए, सूख जाएंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी इसलिए सूख जाएंगे। तो अभी चल रही मैं किचन में, तो वीडियो बने। तो बेटा मैगी बना के चला गया था तो इसी वजह से मैंने किचन दोबारा साफ़ किया है क्योंकि इस पर व्रत का चीज़ बनाना है। तो यहाँ पे दोस्तों बना रही हूँ चाय, धो रहा है दूध गर्म, और ये किचन जो है मैंने कल साफ़ किए थे, इसके पूरी किचन मैंने 2 घंटे में लग गया मुझे, नीचे ऊपर पूरा साफ़ करने में 2 घंटे में सफाई मैंने किचन की थी।
और अभी ये टॉल्स वगैरह सब गंदे हैं, इनको भी साफ़ करना है। दोपहर में समय मिलेगा तो मैं साफ़ करूँगी। सुबह फ्रिज मैंने साफ़ किए थे, तो किचन बहुत तरीके अच्छे से क्लीन कर देना है इस पूजा में। तो बाकी सब मैंने कर लिया, बस ये टॉल्स साफ़ करना है। दोपहर तो तीन लोगों के लिए दोस्तों खाना बन रहा है, बाकी लोगों ने व्रत रखा है। तो व्रत के लिए मैंने चावल मखाने बना लिए, तो उसके बाद यहाँ दाल चावल सब्जी रोटी बना रहे हैं जो बच्चे और खाने वाले हैं उनके लिए। तो यहाँ ऐसे ही मैंने सब्जी बना दी थी उन लोगों के लिए, दाल चावल बना दिया था खाने के लिए। तो गाइस मेरा खाना बन चुका है, अभी चावल बनाना है, अभी प्याज का साग बना, उसके बाद व्रत वाला चीज बनेगा। और यहाँ पे दोस्तों ये चना है ना, इनको मैं तोड़ तोड़ के निकालूँ, इनमें से चने को निकालना है। ये हरा चना होता है तो ये पूजा में बहुत काम आता है, तो हमारे यहाँ इसी तरीके से पूजा किया जाता है। तो आप हमारे यहाँ किस तरीके से पूजा किया जाता है इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अधूरा मत छोड़िएगा, तभी आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ किस तरीके से पूजा होता है, क्योंकि हमारा तरीका थोड़ा अलग है। तो इस तरीके से देखिए चने का सारा मैंने तोड़ दिया, इसके अंदर कभी निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये चने निकाल रही हूँ मैं, ये जो है ना हरे हरे चने। तो देखिए दोस्तों ये हरे हरे चने हैं पूजा के लिए। गाइस किचन में काम कर लिया, खाना बन गया है, व्रत वाला चीज बन रहा है, और थोड़े से सिंघाड़े के आटे का जो बर्फी बनता है वही बनेगा, और दूध वगैरह रहेगा वही हम लोग खा पी लेंगे मतलब व्रत में। और रात को तो मुश्किल है कुछ बनाना, देखिए क्या बनता है, क्योंकि पूरा किचन और पूरा घर हम लोगों को रात में सफ़ा करना है, क्योंकि सुबह हमारे घर दूसरे दिन झाड़ू पोछा नहीं लगता है, तो रात को ही सारा सफाई करना है। रात को माता रानी का भोग बनेगा, माता रानी को चढ़ाया जाता है, तो बस येउरा हम लोग बोलते हैं उसको, तो बस येउरा हमारे यहाँ कैसे पूजा जाता है, किस तरीके किया जाता है, तो वो सब मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगी। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं किचन में क्या हो रहा है। ये किशु है, ये डुग्गू है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत बीमार है बाबू मेरा, देखो कैसा हो गया है, देखो देखो कैसा हो गया मेरा बाबू चुन्नू मुन्नू बाबू। हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय हाय हाय, तुम भी हाय करो, हाय कर, लाइक करो, लाइक करो, बोलो लाइक कीजिएगा, लाइक 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 करो, लाइक। तो ये बना है दोस्तों सिंघाड़े की बर्फी, और ये बना है मेवात। तो दोस्तों यहाँ पे सिंघाड़े के आटे का हलवे का बर्फी बना दिया गया है, और मेवात हस्बैंड को दे दिया है पीने के लिए, खाने के लिए। उसके बाद मैं भी जा रही हूँ व्रत वाला खाने के लिए। तो आइए दोस्तों आप लोग भी खा लीजिए सिंघाड़े के आटे की बर्फी, बहुत अच्छी लगती है व्रत में, इसके आप बनाइए खाइए, बहुत अच्छा लगता है। तो हस्बैंड को दे दिया था, खा लिए थे, तो मैं भी अभी जा रही हूँ खाने, आप लोग भी खा लीजिए, क्योंकि यही है हमारा आज का आहार जो कि व्रत में खाया जाएगा, सिंघाड़े का आटे का हलवा और बर्फी, बहुत अच्छा लगता है, पेट को आराम देता है। देखिए दोस्तों किचन पूरा क्लीन कर दिया गया है, ये पूरा किचन अभी दोपहर में ही क्लीन कर दिया गया है, और क्लीन करते हुए मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि हर जगह वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ देखिए किचन सारा क्लीन हो चुका है, और ये फ्रिज इस साइड था, यहाँ पे फ्रिज था, तो इस साइड हमने फ्रिज कर दिया है, क्योंकि यहीं पे माता रानी का पूजा होगा, इस जगह माता रानी का पूजा होगा इसीलिए, तो यहाँ पे हमने कर दिया है। और यहाँ पे देखिए ये सारा सामग्री हमने दाल चावल सब्जी कर दिए, ये कलसा है, ये आम का पल्लो है, ये लकड़ी है, मतलब सब कुछ यहाँ पर रेडी करके रखा हुआ है। तो ये सब रात को पूजा होगी, 10-12 बजे के लगभग पूजा होती है, तो सब खाना वाना बना कर पूजा किया जाता है। तो इस तरीके से हमने ये किचन को सेट कर लिया है, और रात को बाकी जो भी होगा वीडियो में आप लोगों को दिखाती रहूँगी। फिलहाल अभी किचन साफ़ किया गया है, हमने नीचे का भी साफ, टाइल्स वगैरह सब साफ किए हैं, और ये सब भी साफ कर लिया है। तो वीडियो बने रहिएगा, जो भी होगा मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। पसंद है दोस्तों लहसुन का पूरा हम बंडल। तो यहाँ पे दोस्तों शाम हो चुकी है, तो मैं इधर उधर का झाड़ू पोछा जो भी एक्स्ट्रा जगह है उनको मैं झाड़ू पोछा कर ले रही हूँ, क्योंकि रात को हर जगह का पोछा झाड़ू लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पूजा के बाद दूसरे दिन हमारे घर में माता रानी की विदाई होने के बाद झाड़ू पोछा नहीं लगता है, दोपहर 12 बजे ही लगेगा, इसलिए शाम हो
शाम को ही पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा दिया गया था। मेन जगह सिर्फ नहीं लगाया गया है क्योंकि सब लोग खाएंगे पियेंगे, और यहाँ पे मैं मिट्टी तोड़ रही हूँ तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पूजा में। और यहाँ पे सब मिट्टियाँ मैं तोड़ करके सिर्फ नौ करके दो बार और सात सात करके दो बार मिट्टी को तोड़ के अलग अलग गिट्टी मैं तैयार करूँगी। तो गाइज इधर का मैंने झाड़ू पोछा लगा करके और चाय पानी पी लिया है शाम का मैंने। और चाय वाय पीने के बाद देखिए ये पर्दा मैंने धुला था तो इस पर्दे को मैंने लगा दिया है, ये पर्दा मेरे दरवाजे का तो ये लगा दिया है। और अभी मैं नहा करके आई हूँ और कपड़े धो दिए हैं, वॉशिंग मशीन में पड़े हैं और कपड़े मैंने धो लिए हैं सारे, जो बच्चों के निकले थे दोपहर में वो भी और अपने भी। तो अभी मैंने नाइटी पहन लिया है और नहा लिया है। अभी चल रही मैं मंदिर में थोड़ी बहुत क्लीनिंग करने, जो सुबह के फूल उल चढ़ाए रहते हैं उनको हटाऊंगी और फिर शाम की पूजा करूंगी। तो शाम की पूजा करके आपसे मिलते हैं, वीडियो में बने रहिएगा आप। तो शाम को पूजा मैं कर रही हूँ दोस्तों, ये शाम की मेरी पूजा हो रही है और यहाँ पर मैं शनि देवता को भी दिया भरा दी हूँ शनि के पौधे में, और ये हमारा थोड़ा बाहर का बैकग्राउंड है। पूजा पाठ कर लिया है, शमी के पौधे में भी मैंने दीपक जला दिया, इधर भी मंदिर में भी पूजा कर लिया है और कपड़े धोए तो वो भी मैंने फैला लिया है। अभी दो मिनट के लिए बैठ जाती हूँ, थकान हो जाता है पूजा करने पाठ करने में, टाइम लग जाता है, थकान हो जाता है काम करते करते। और हर जगह वीडियो भी हर जगह हम बना नहीं सकते, बड़ा मुश्किल हो जाता है वीडियो बनाएं या काम करें तो बड़ी मुश्किल से हम लोग वीडियो बनाते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ हम लोगों का सपोर्ट किया कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा हम लोगों को ज़रूरत है। जब तक हम अपने पैरों पे नहीं खड़े हो जाते अच्छे से तब तक बहुत दिक्कत है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि हम और भी अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश कर सकें। तो फिलहाल अभी मैं बैठी हूँ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है व्रत के लिए और क्या बनता है बच्चों खाने के लिए, तो वीडियो बने रहिए दोस्तों। अब किचन में खाना नहीं बनाना है क्योंकि अब बाहर खाना बनाना है, क्योंकि रात को किचन में खाना बनाएंगे तो इसलिए ये एक दूसरा गैस था, इसको बाहर निकाला बाहर खाना बनाने के लिए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों डुगू चिप्स खा रहा है, और मैं खाना बनाने के बाद ये दिखा रही हूँ क्योंकि खुद का वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल होता है। ये देखिए बाहर मैंने रोटी और सब्जी बना लिया था और अब जा रही थी सफाई करने। तो शाम को व्रत में खाने के लिए ये आलू भून रखा है, ये सिंघाड़े की बर्फी मेवा है और केले अंगूर हैं, ये खाकर हम रहेंगे रात में। तो रात का झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया था, थोड़े बहुत बर्तन थे क्योंकि एक भी बर्तन जूठा घर में नहीं रखना है रात के समय, तो कुछ बर्तन देवरानी कुछ बर्तन में ऐसे ऐसे करके हम दो तीन चक्कर हम लोगों ने बर्तन धो लिया है। तो ये लास्ट का थोड़ा सा बर्तन था तो मैं यहाँ धुल रही थी और धुलने के बाद फिर सोने जाऊँगी। झाड़ू पोछा लग चुका है, यहाँ का मैंने बर्तन भी धो दिया है, अभी यहाँ से वाइपर से जो पानी है वो काट लूँगी। एक भी जूठा बर्तन घर में नहीं रहना चाहिए आज के दिन रात में, तो सब कुछ सफाई उफाई कर लिया है और रात के टाइम भी बहुत। तो दोस्तों रात के 11 बज चुके हैं, सब लोगों ने खा पी लिया, सफाई उफाई सब हो चुका है, तो सोने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि 12 बजे से ही खाना बनना शुरू हो जाएगा नहा धो करके। तो मैं थोड़ा देर लेटूँगी उसके बाद उठूँगी। तो दोस्तों आधा घंटा आराम करने के बाद मैं उठी हूँ उसके बाद 12 बज चुके हैं, अब चलते हैं फटाफट नहाएंगे। सिर्फ पानी से ही मैं फटाफट नहा करके आऊँगी क्योंकि अब खाना बनाने की तैयारी करना है 12 बजे रात से। तो यहाँ पे मैं नहा चुके तैयार हो चुकी हूँ, रात के 12 बज चुके हैं, तो अभी चल रही हूँ किचन में, तो बस नहाया है कुछ नहीं किया ऐसे ही बस, तो नहा धो लिया है, अभी चल रहे हैं किचन में। देखिए किचन में क्या क्या बनता है, कैसे बनता है और कैसे पूजा होती है सब आपको वीडियो में दिखाती हूँ, तब तक वीडियो बने रहिए। तो नहाने के बाद दोस्तों मैं और मेरी सासू माँ देवरान सभी लोग ने नहा लिया है और सबसे पहले यहाँ कलसा रखा जाता है, तो यहाँ साड़ी का मतलब चुनट लाल के दुर्गा माता बना करके बैठाया जाता है और कलसा दीपक धराया जाता है, उसके बाद ही खाना बनना शुरू होता है, इससे पहले गैस नहीं जलाया जाता है। तो यहाँ माता जी ने कलसा रख लिया है और यहाँ पर हम लोग खाना बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो सबसे पहले हलवा पूड़ी बनता है, तो मैं दूसरा काम कर रही हूँ इसी किचन में और माता जी यहाँ हलवा बना रही थी तो उनका मैंने वीडियो निकाला था। और हलवा और पूड़ी और गुलगुला बनता है क्योंकि माता रानी के चरण में रखा जाता है। उसके बाद ये जो चढ़ेगा ये सब चीज़ें बन रहे हैं, तो यहाँ हमारे घर बनता है दोस्तों चढ़ाने के लिए गुलगुला बनता है, पकौड़ी बनता है, दाल वाली पूड़ी सादी पूड़ी और दाल चावल और ये चौलाई होता है ना चौलाई का साग बनता है। तो इस तरीके से हमारे देखिए अचरा में हलवा पूड़ी रख के मतलब रख दिया गया है, और यहाँ पर देखिए पकौड़ी छान रही हूँ गुलगुला बनाने के बाद।
तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे पकवान बनना शुरू होते हैं यहाँ पे हमारे घर में। इस तरीके से पकवान बना करके माता रानी को चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए माता रानी को मतलब एक जगह 9 और एक जगह 7 जगह मतलब 2 देवियों को एक साथ पूजा हो रही है। तो यहाँ पे अम्मा इस तरीके से हमारे घर में पूजा होती है। देखिए पहले रोटी रखा है, इसके बाद पूरी रखा है भरवी, उसके बाद शादी रखेंगे, उसके बाद गुलगुला रखेंगे, दाल चावल रखेंगे, पकौड़ी रखेंगे, चौलाई रखेंगे, मतलब जितने भी पकवान बनाए हैं इसी तरीके से मतलब चढ़ाया जाता है यहाँ पे हमारे यहाँ। तो इस तरीके से हमारे घर में ये अष्टमी की पूजा होती है। रात के 3:30 बज रहे हैं करीब, तो मतलब खाना वाना 3:30 बजे के लगभग बन गया था। तो यहाँ 3:30 बजे अम्मा पूजा कर रही हैं। सबसे पहले ये पूजा हमारा घर में होगा, उसके बाद बाहर जाकर पूजा करना होता है रात के ही टाइम। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे सब कुछ किया जा रहा है। और मैं अपना थोड़ा सा फेस दिखाना था इसलिए मैंने इस तरीके से दिखा दिया है, क्योंकि काम करते करते मैं अपना फेस बिल्कुल भी नहीं दिखा पाई थी जल्दबाजी में। तो यहाँ पर देखिए अम्मा कर रही हैं। तो दोस्त देखिए ये हमारे यहाँ इस तरीके से पूजा होता है। यहाँ पे एडिटिंग कर रही हैं तो बच्चे शोर शराबा कर रहे हैं, तो उनकी भी आवाज़ हो जा रही है। तो इस तरीके से यहाँ होता है पूजा हमारा। ये मिट्टी के ये देख रहे हैं आप, और अंदर पूजा करने के बाद देखिए बाहर ये नीम का पेड़ है ना, तो बाहर भी इस तरीके से पूजा किया जाता है। एक एक मतलब हलवा पूरी जो भी चढ़ाया था यह अलग कर दोस्तों। रात के 12 बजे से हमने पूजा शुरुआत की थी खाना वाना बना करके, और सब पूजा करके हटा लिया गया यहाँ से। और ये माता रानी हैं, तो अभी बज रहे हैं रात के साढ़े तीन बज रहे हैं। 12 बजे से हमने शुरुआत की थी, तो पूजा पाठ हो चुका है। अब चलते हैं सोने के लिए, 1.5 घंटा जो भी सो पाते हैं। तो वीडियो कहीं एंड करूँगी, और वीडियो कहीं करती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्लॉग के साथ अच्छा लगा तो अच्छे कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको हमारी पूजा और हमारी परंपरा कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।